उसमें क्या किया जाता है कि एक अंदर बढ़िया सा कोटिंग कर दिया जाता है और एक बाहर बढ़िया सा कोटिंग कर दिया जाता है और बीचवा में भर दिया जाता है कचरा। तो फ्रेंड्स यह है HDPE पाइप जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसी को आज मैं बताने वाला हूं कि इसकी क्वालिटी कैसे चेक करेंगे, कैसे हम इसको देख करके तुरंत हम पता कर लेंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि हम बनाते हैं भैया बता सकते हैं और अच्छे से बताएंगे, इसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे। वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया आया है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इस पाइप को हमें देख करके पता करना है कि यह पाइप सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें देखना क्या है इसमें, अब सोचिए आप क्या हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले तो भैया ये है कि हमारा ये जो पाइपवा है ये चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, ठीक है, देखने में सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सबसे पहली चीज ये है, सुंदर लग रहा है, ठीक है भैया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो इस पर पहले अपने हाथ को ऐसे इस पर घुमाएंगे एक बार, अगर इसमें टच कर रहा है बहुत ज्यादा हाथ को, ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब इस पे रफ टाइप का है, ठीक है, तो भी समझिए क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। मतलब ऐसे कहीं रखने से घिस गया है वो अलग बात है, लेकिन पूरे पाइप में अगर ऐसे मतलब हाथ करने से ऐसा मतलब फील हो रहा है कि काफी रफ टाइप का लग रहा है तो वो पाइप सही नहीं है भैया। इस बिल्कुल मुलायम लगना चाहिए, बिल्कुल हाथ बिल्कुल ऐसे मतलब कहीं पे भी कुछ हाथ को टच नहीं होना चाहिए, चाहे बाहर या चाहे अंदर। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ भैया, होता यह है कि जो कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग होता है तो तीन तीन एक्सट्रूडर यूज होता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि एक अंदर बढ़िया सा कोटिंग कर दिया जाता है और एक बाहर बढ़िया सा कोटिंग कर दिया जाता है और बीचवा में भर दिया जाता है कचरा, ठीक है। तो उसको कैसे जानेंगे, उसको भी मैं बता रहा हूँ। पहले तो ये देख लीजिए ऊपर का और नीचे का, और उसके पास से जो बीचवा में डाल देते हैं सब, बीच में बीच वाले लेयर में ज़्यादा मटेरियल डालते हैं सब, ऊपर और नीचे थोड़ा थोड़ा हल्का सा लेयर लगा देते हैं सब ओरिजिन मटेरियल का, प्योर मटेरियल का, ताकि आपको देखने में अच्छा लगे और आप ले जाएं, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे पिन टाइप का मार्क बना रहेगा, बहुत ज़्यादा पिन पिन टाइप का रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे बूंदा बूंदी ऐसे मतलब इसमें रहेगा, तो समझ लीजिए कि अंदर कचरा डाला हुआ है 110%, ठीक है। और उससे भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो एक काम कीजिएगा, अगर इस टाइप का थोड़ा सा पतला पाइप है तो थोड़ा सा बीचों बीच में से काट लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा काट देंगे ना, काटने के बाद से ऐसे मोड़िएगा, अगर खटाक से टूट गया तो समझ लीजिए कि उसमें दबा के कचरा है, ठीक है। अगर नहीं टूट रहा है, बस ऐसे मुड़ रहा है, बस फ्लेक्सिबल हो रहा है, तो समझ लीजिए कि क्वालिटी ठीक है, लेने लायक है, यूज करने लायक है ये पाइप, ठीक है। और एक उसके बाद से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, इस पर देखिएगा कुछ लिखा रहता है, इस पर मार्किंग दिया रहता है, थोड़ा अफ्रीका में हूँ मैं तो यहाँ पे मार्किंग वाला पाइप है, नहीं पता नहीं कैसा स्टैंडर्ड है यहाँ पे, जो भी मार्किंग होता है ना उसमें ISI जरूर लिखा रहता है, और ISI लिखा गया है तो समझ लीजिए कि ठीक होगा, पहला मतलब वहाँ से आगे बढ़ जाएगा कि ठीक होगा। मार्किंग में लिखा जाता है कि ये OD कितना है, थिकनेस कितना है, थिकनेस तो नहीं लिखा जाता है लेकिन OD लिखा जाता है, OD लिखा जाता है, और उसके बाद से SDR लिखा जाता है। SDR का मतलब एक और वीडियो में बता दूंगा बढ़िया से, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए कि जो भी OD है, ठीक है, जो भी इसका OD है, ठीक है, उसको SDR से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। SDR से जब भाग देंगे ना तो इसका थिकनेस निकल जाएगा, ठीक है, और जब थिकनेस निकल जाएगा तो आप इंच टेपों से भी इंच टेप भी लगा लेंगे ना, थोड़ा सा यहाँ पे लगाएंगे तो उससे भी आइडिया मिल जाएगा कि ये थिकनेस कितना है, ठीक है। और थिकनेस अगर कम रहेगा तो इसको वापस कर दीजिएगा, और नहीं तो फिर से आपको मन करेगा तो यूज भी कर लीजिएगा, लेकिन जब थिकनेस कम रहेगा तो क्या करेंगे भैया, पैसा पूरा दे रहे हैं, थिकनेस कम लेंगे, क्यों लेंगे भैया, ठीक है। तो वो देख लीजिए, और उसके बाद से फिर से एक चीज़ और आता है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, ये तीन लाइन लगना चाहिए, ठीक है, इसमें इस पाइप में बस सिंगल है, लेकिन आपको यहाँ पे तीन, जैसे ये लाइन है ना वैसे एक, और यहाँ पे भी एक हो जाना चाहिए और यहाँ पे भी एक हो जाना चाहिए, मतलब रहना चाहिए, क्योंकि ISI स्टैंडर्ड के अंडर में है, ठीक है। ISI अगर मार्क लगाए तो ये सब रहना चाहिए भैया, और ये है। और इसमें एक चीज और देखना है कि ये जो लाइन है ना, ये 3 mm से कम नहीं रहना चाहिए, 3 mm से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। और इससे ज्यादा हमको लग रहा है कि अगर आप यूज करेंगे ना इस पाइप को
तो इस पाइप को अगर आप यूज कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा क्वालिटी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इतना में आपके लिए इनफ है। लैब का वो बाद में देख लिया जाएगा, लैब का ज़्यादा इशू नहीं है, बस ऐसे मतलब इतना चेक कर लीजिए, अगर इतना सब कुछ सही है तो इस पाइप को काफ़ी अच्छे से आप यूज कर सकते हैं और काफ़ी टिकाऊ पाइप है, इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि मैं लैब का भी पूरा इसका टेस्टिंग बता दूं तो नीचे कमेंट्स कर दीजिए, मैं बता दूंगा। और इस वीडियो पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके तब जाइए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।